नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हूँ। दोस्तों, कोरोना काल से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे कि अस्पताल में पहले आपको फिज़िकली आकर के अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, बट जैसे कोविड आया वैसे काफ़ी सिस्टम चेंज हो गया। तो बार बार मेरे पास कॉल आते रहते थे कि अपॉइंटमेंट कैसे लें। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप KGMU के किसी भी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र का जहाँ पर सर्च हो या फिर टाइप करने के लिए वहाँ पर टाइप करिए आप ors.gov.in। आपको वहाँ सबसे पहले टाइप करना है ors.gov.in। और जैसे मैं स्टेप वाइज बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करते रहिए। और देखिए, जैसे कि यहाँ पे फिर आ गया आपको मोबाइल नंबर फिल करने का, तो मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड आएगा। तो देखिए, मैं कैप्चा कोड डाल दे रहा हूँ AF7CDB, और मोबाइल नंबर आप लोग ऐसे डालेंगे। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सबमिट करेंगे तो फिर एक OTP जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन हो गया। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर एक OTP देखिए आया, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होगा। जैसे देखिए, मेरा मोबाइल नंबर क्लास में 7150, तो उस पर एक OTP आया। मैंने OTP फिल किया, और OTP फिल करते ही फिर मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आपके पास आधार है कि नहीं आधार है। तो मेरे पास क्लिक करूँगा मैं कि मेरे पास आधार है, तो आधार। फिर मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करूँगा, दिल्ली, जो कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद कौन सी हॉस्पिटल आप सेलेक्ट करेंगे, तो आप वो देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको किस डिपार्टमेंट में चेक करना है आप वो डिपार्टमेंट देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं साइकेट्री का अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, तो मैं साइकेट्री करूँगा। आप जो भी जिसमें दिखाना चाहें आप उसका ले सकते हैं। फिर प्रोसीड पे मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद देखिए ये थोड़ा टाइम लगेगा। फिर आपको देख लीजिए जो ग्रीन वाले कॉलम है, उस मतलब उस दिन का आपको स्लॉट खाली है। आप उसमें से कोई भी दिन क्लिक करिए, यहाँ पे प्रोसीड करिए। देखिए नीचे सेलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट आ गया, यहाँ पे आप प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद आपका देखिए फिर आधार नंबर मांगेगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन में लिखा था कि मेरे पास आधार है, तो एक कैप्चा कोड डालूंगा और आधार नंबर डालूंगा। फिर यहाँ पे जब मैं सबमिट करूँगा दोस्तों, तो आधार से जो मोबाइल नंबर अटैच होगा उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि मैं आधार नंबर डालूंगा, और जो आधार नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपका इस आधार से अटैच होगा उस पर OTP जाएगा। फिर क्या करना है कि उस OTP को फिल करना है, और आपका अपॉइंटमेंट फुल हो जाएगा। देखिए, जैसे कि ये मेरा मोबाइल नंबर है लास्ट में 0364, जो पहले मोबाइल नंबर डाले थे रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरा है, और आधार वाला नंबर दूसरा है। आपका एक भी हो सकता है, बट आपको आधार नंबर डालना है। देखिए, इस 0364 में मोबाइल नंबर के लास्ट में OTP गया है। मैं OTP फिल कर दे रहा हूँ 7678 और 70, और लास्ट में कैप्चा कोड मैं डाल देता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। इसके बाद देखिए फिर क्या होगा कि फिर मेरा सारी डिटेल्स शो कर देगा। देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट, डेट, कौन से डिपार्टमेंट, साइकोट्रिक, मोबाइल नंबर। फिर आपको क्लिक करना है कि बुक अपॉइंटमेंट, इस पर आपको कन्फर्म करना है। तो जैसे ही मैं एक बार कन्फर्म करूँगा, फिर उसके बाद मेरा पेज खुल जाएगा। देखिए, आपको मिल गया ये टोटल अपॉइंटमेंट आईडी, या तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया आपका अपॉइंटमेंट आईडी। ये अपॉइंटमेंट आईडी लीजिए, इसको लेकर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर प्रिंट रिसिप्ट कर लीजिए, और यही ले जाकर के आपको KGMU के काउंटर पे दिखाना है, ग्राउंड फ्लोर के OPD में। इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा करके आप KGMU के ग्राउंड फ्लोर पर ले जाइएगा, तो वहाँ पर काउंटर बना होगा, वहाँ पर आपको दिखाने पर वो आपको एक रिसिप्ट बना करके दे देंगे, जो कि आप फिर आपको बता देंगे कौन से रूम नंबर में जाना है, और वहाँ पर आप जाकर के इजी डॉक्टर से दिखा सकते हैं। तो अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया हो, और अगर KGMU से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ दिखाना हो, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई और भी क्वेरी हो आपकी, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, थोड़ा रिप्लाई थोड़ा लेट मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर आपको। तो प्लीज़, अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट KGMU अपना इलाज इसलिए करा सकें और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो।